ये है टाटा इंडिको CR4। ये गाड़ी 4-5 महीने से खड़ी हुई थी, फिर इसका इग्निशन ऑन किया, बैटरी चेंज करी तो मीटर पर कोई सी भी लाइट नहीं आ रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना इसमें कचरा हो रहा है, ये सब चूहों ने किया है। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी हुई है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं से चूहों ने वायरिंग कतर दी है, इसकी वजह से लाइट नहीं आ रही मीटर पर। तो वायरिंग चेक करने पे इसकी जो वायरिंग है वो वायरिंग कतरी भी मिली है। इसके अंदर जो चूहों ने इसके वायर कतर दी है, मेन वायरिंग जो है वो मेन वायरिंग ही कतर दी है। ये इसकी मेन वायरिंग है जो बाहर वाले लूम से आती है, ब्लैक और रेड वाले वायर है, माइनस प्लस वाले वायर है। इसका इंटरकूलर खुल रहा है तो काफ़ी जगह हो जाएगी, तो फिर इसकी वायरिंग करेंगे वहाँ से, जो भी वायर टूटे हुए हैं कटे हुए हैं। काफ़ी सारी वायरिंग इसकी कटी हुई थी तो कलर टू कलर इसकी वायरिंग जॉइंट कर दी है। अब इसको पूरा फिटिंग करते हैं, फिर चेक करेंगे। सब कुछ फिटिंग करने के बाद इसमें लाइट आ गई है, लेकिन दो ही लाइट आ रही है इसमें, एक आयल की लाइट आ रही है और एक बैटरी की लाइट आ रही है। और इसके अलावा चेक इंजन लाइट भी नहीं आ रही है, और ना ही रीडिंग की लाइट आ रही है, और ना ही ये सेल्फ ले रही है। तो इस वाले फ्यूज़ बॉक्स के पीछे एक माइनस वाला वायर आता है जो बॉडी में कसा हुआ रहता है, वो वायर भी इसका कटा हुआ है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये वाला इसका फ्यूज़ बॉक्स खोलेंगे पहले। इस वाले फ्यूज़ बॉक्स के पीछे भी काफ़ी सारी वायरिंग कटी हुई है, और रूफ़ लाइट की वायरिंग भी गई है यहाँ से। और यहीं पर माइनस वाला वायर आता है नीचे के साइड में, वो बॉडी पर लगा हुआ रहता है, जो रेड वाला जो आपको वायर दिख रहा होगा जो जॉइंट करा हुआ है, ये माइनस वाला वायर है, ये मैंने अभी जॉइंट करा है। तो इसकी पूरी वायरिंग कर लेते हैं जो भी कटी हुई है, उसके बाद सारी लाइट आ जाएगी मीटर पर, फिर चेक करेंगे स्टार्ट करके। मीटर पर सारी लाइट आ गई थी और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसका जो इंजन है वो नॉकिंग कर रहा है, और इसके अलावा एक्सीलेटर भी नहीं आ रहा है। तो ये दो प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। गाड़ी को स्कैन करवा रहा है तो स्कैनिंग करवाने में काफ़ी सारे इसके अंदर फॉल्ट आ रहा है, और एक मेन फॉल्ट इसमें पंप का भी आ रहा है, और एक ग्राउंड वायरिंग का आ रहा है। ग्राउंड मतलब जो इंजन पर जो वायरिंग गई है सेंसरों पर, उस पर ग्राउंड जो सप्लाई है वो सप्लाई नहीं जा पा रही है, तो उसकी भी वायरिंग चेक करना है। इसकी जो ACM की जो वायरिंग इंजन पर गई है ये भी कटी हुई मिली है, यहाँ से लूम से आती है, यहाँ से ACM से आती है वायरिंग, तो यहाँ पर इसके 3-4 वायर कटे हुए हैं जो इंजन की तरफ जा रहा है सेंसरों की तरफ। तो ये 3 वायर है जो यहाँ से नीचे से कटे हुए हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से कटे हुए हैं ये जॉइंट पे से, तो इनको भी जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद फिर एक बार चेक करेंगे। यहाँ की जितनी भी वायरिंग है वो भी कर दी है, उसके बाद भी इसमें नॉकिंग की जो प्रॉब्लम है वो अभी भी आ रही है, और इसके अलावा एक्सीलेटर अभी भी नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर वापस इसको स्कैनिंग करवा रहे हैं। स्कैनिंग करवाने पे इसका जो फॉल्ट है, फॉल्ट इसमें एक बार क्लियर करवा के देख रहे हैं, क्लियर करवाने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो इसको क्लियर करवा रहे हैं। अगर क्लियर करने पर भी नहीं हुआ तो फिर इसमें कोई दूसरी चीज़ चेक करेंगे। सब कुछ क्लियर करवाने के बाद सारे फॉल्ट चले गए हैं, बाकी इसमें एक फॉल्ट आ रहा है पंप का, पंप के वजह से नॉकिंग की प्रॉब्लम आ रही है और एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें पंप का फॉल्ट आ रहा है। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पंप के पीछे आपको एक सेंसर दिख रहा होगा जहाँ पर ये कपलर लगा हुआ है कत्थई कलर का, ये जो सेंसर है ये सेंसर चेंज करा है, तो मैं वीडियो में आपको दिखा नहीं पाया थोड़ा चेक करने में, तो ये सेंसर चेंज करा है और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इसमें जो नॉकिंग का साउंड था, नॉकिंग का साउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और इसके अलावा एक्सीलेटर भी इसके अंदर पूरा प्रॉपर आ चुका है, एक्सीलेटर भी बिल्कुल बढ़िया ले रही है, और चेक इंजन लाइट वगैरह कुछ भी नहीं आ रही मीटर पे। सब कुछ प्रॉब्लम जो भी आ रही थी वो सब सॉल्व हो गई है इसके अंदर। अगर आपकी गाड़ी में नॉकिंग का प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये सेंसर चेंज कर दो, क्योंकि ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि सेंसर ख़राब हो जाता है, इसके वजह से गाड़ी जो है वो नॉकिंग करने लग जाती है।